अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 19 मार्च 2023 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज, 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। बात करेंगे क्या योगी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज की तमाम बड़ी खबर को पहले हम इस वीडियो में देखेंगे। आप देख सकते हैं बिजली हड़ताल से बिगड़े हालात, 3,000 से अधिक कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए, 29 पर एस्मा लगा। अब ये अपडेट आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर देखिए 6,800 पदों पर जो हमारी चयन सूची आई थी, क्या सरकार करेगी बताइए। जब सरकार इनको बर्खास्त कर सकती है तो क्या जो हमारे यूपी में टीचर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर काफी धरना दिए, तो यहाँ पर कुछ हो सकता है कि नहीं पुरानी पेंशन को लेकर, तो देखते हैं पूरी अपडेट को। एक और खबर आती है कि 1 अप्रैल से पहले शुरू ना करे सत्र, सीबीएसई से अपडेट आ रही है। उसके बाद देखिए रोजगार बढ़ाने के लिए, ठीक है, एनसीएस 2.0 लाने वाली है सरकार। रोजगार से जुड़ी सेवाएं देने वाले अन्य पोर्टल को भी नेशनल करियर सर्विस से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। तो हर एक अपडेट पर आप लोग नजर बनाए रखिए, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मामला डबल बेंच जा रहा है। शिक्षक भर्ती के लिए तीसरे दिन भी जारी रहा धरना। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं लगातार बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके सामने पूरी अपडेट है, शिक्षकों ने भरी हुंकार, लेकर रहेंगे अपना अधिकार। अलीगढ़ से अपडेट आ रही है, उसके बाद शिक्षक भर्ती के लिए धरने पर डटे रहे बेरोजगार। तो देख सकते हैं प्रयागराज से अपडेट है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने शनिवार को तीसरे दिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज पर प्रदर्शन कर हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी की मांग की है। तो ये दोस्तों खबर है, तो आप देख सकते हैं लगातार अपडेट्स आ रही हैं। बाकी देखते हैं आने वाले समय में क्या बड़ी अपडेट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी दोस्तों आरक्षण मामले पर जल्दी हमें बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है, ठीक है, और जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल नए शिक्षक भर्ती की जो बच्चे उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो साल का अंत तक वेट करना पड़ेगा, या देखिए 23 मार्च से बच्चे धरने की तैयारी कर रहे हैं। जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती के लिए महाधरने की तैयारी, जो भी अपडेट्स आती है सभी अपडेट पल पल के हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बात याद रखिए, अगर वैकेंसी समय से नहीं आएगी तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। जी हाँ, कम से कम वैकेंसी का विज्ञापन तो आना चाहिए ना शिक्षक भर्ती का। पहले बात हो रही थी 51,112 पद खाली है, फिर 17,000 पदों की बात हुई, फिर उसके बाद 97,000 पदों की बात हुई, लेकिन आज तो कोई बात ही नहीं चल रही है, ठीक है। बाकी हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। Have a nice day.